अस्सलाम वालेकुम फोर्थ स्टूडेंट्स। तो हम जो है आपकी जो है मैथमेटिक्स की बुक जो है हम पढ़ रहे हैं। आपकी जो है लास्ट टाइम मैंने एक्सेल आपको 1D जो है आपको स्टार्ट करवाई हुई थी। तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पढ़ लिया था, और आपको दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूँ आपने जो है क्या पढ़ा है इससे पहले। आपने इससे पहले देखा है कि आपका कॉम्बिनेशन में जो है आपको ऑपरेशन आ रहे हैं, एडिशन भी आ रही है, सब्ट्रैक्शन भी आ रही है आपके पास। तो फर्स्ट जो है आप जो है मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि आप जो है वो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। आप अगर 10 है तो 10 कर लें, माइनस है तो पहले माइनस कर लें, फिर आप जो है नेक्स्ट सॉल्व कर लें। यहाँ आपके पास कॉम्बिनेशन और ऑपरेशन आएगा, उसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन और आपके पास डिवीजन आएगा साइन। जब इस तरह से कॉम्बिनेशन आ जाए आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, पहले आप जो है वो डिवीजन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आप डिवीजन को सॉल्व करते हैं और सेकेंड जो है आप जो है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, सेकंड आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। जब इस तरह से कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन कई दफा आपके पास अब सम टाइम आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो चारों ऑपरेशन जो है वो एक साथ आ रहे होते हैं, या तीन इनमें से तीन जो है ऑपरेशन जो है आपके साथ कंबाइन फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो फिर क्या कीजिए, ये तो आपको मैंने बताया कि दोनों की कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो चारों आ रहे हैं ऑपरेशन या आपके पास जो है आपके पास तीन आ रहे हैं इनमें से कोई ऑपरेशन, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि हम किस ऑपरेशन को फर्स्ट सॉल्व करेंगे, किसको सेकंड सॉल्व करेंगे एंड किसको थर्ड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, वो बच्चे करते हैं, बच्चे पैटर्न को जो है वो याद नहीं रखते। तो इस सूरत हाल में आपने फॉर्मूला बताया था, याद कर लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, डी मैथ्स आपने बताया था कि आपने ये याद रखना है। जब डी मैथ्स आप याद रख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद जहन में आ जाएगा, जब आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें तब भी आपको समझ आ जाएगी। तो बेशक आप इस बुक को जो है वो ना सॉल्व करें, लेकिन ये आपको बार बार रिमाइंड करवाता रहेगा कि डिवीजन जो है आप फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्लेस में, आप डिवीजन को सॉल्व करते हैं कहीं भी आ रहा है आपके पास ड्यूरिंग क्वेश्चन, फिर आप सेकेंडली आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आप जो है वो एडिशन एंड फाइनली आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड प्लेस में आपके पास एडिशन एंड फोर्थ प्लेस में आप जो है वो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा बहुत सारे हैं डी मैथ्स, आपने याद रखना डी मैथ्स रोल। तो फर्स्ट डिवीजन सॉल्व होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आप पैटर्न को बिल्कुल नहीं बदल सकते, इससे टोटली आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो अब जो है चलिए हम क्वेश्चन 3 करते हैं। लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन 2 तक करवाया था, मैंने दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दिया इसमें क्या है। अब दोबारा हम चलते हैं आपको क्वेश्चन 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1D है आपकी, इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें एक स्टेटमेंट दी होगी, हमें ऑप्शन दिया होंगे 4 ऑप्शन, उसमें से हमने जो है एक बबल जो है फिल कर लेना है, हमने या टिक लगा देना है, आप सर्च कर सकते हैं उसको। आपने इन ऑब्जेक्टिव चीज़ों को ध्यान में रखे रहें तो वो इंशाल्लाह इजीली निकल जाएगा उसका आंसर। चलिए आप क्वेश्चन 3 करते हैं। फिर नोट दैट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो उसने कहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप जो है वो इसमें जो करेक्ट वन होगा आप उसके ऊपर जो है वो निशान लगाएंगे। कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये इसका आंसर है लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। लेकिन अगर आप डी मैथ्स रूल जो है आपको डेमोन्स्ट्रेशंस बताए हैं कैसे अप्लाई करने हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपका आंसर जो है वो नहीं आएगा। तो केयरफुली आपने क्वेश्चन को करना है। मैं इसका फर्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 × 5 + 8 हमें 4 ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं ए बी सी डी में। हमारे पास एक बबल जो है वो 16 है, एक बबल में उसने हमें 39 जो है वो दिया हुआ है, एक बबल में हमारे पास 120 है, एक बबल जो है हमारे पास दिया हुआ है 23। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो क्या करेंगे, 3 × 5 + जो है इसमें 8 दिया गया है, आपस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपस आ रही है कंबाइन फॉर्म में। तो आपको जो मैंने डी मैथ्स रूल बताया था उसके मुताबिक अगर आप याद हो तो मैंने कहा था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये जितना फर्स्ट डिवीजन सॉल्व होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, अभी यहाँ डिवीजन तो है नहीं, इसके पास सारी बात है आपको मल्टीप्लिकेशन जो है आपको जाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगी फिर आपस जो है वो एडिशन आएगी। तो 3 × 5 आप यहाँ पर थोड़ा वर्क में आप कर सकते हैं, 3 × 5 + 8
फर्स्ट ये सॉल्व होगा 3 और 5 आप सबको पता है 3 5 का टेबल 5 का 3 15 प्लस 8 आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 23। अगर आपको नहीं ऐड करना आता तो आप इस तरह से तो आप यूं मैनुअल तरीके से भी ऐड कर सकते हैं 8 5 आपका आंसर आएगा 13 3 1 कैरी 1 प्लस 1 2 तो 23 का आंसर है। आप जो है देखिए यहां पर 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट वन होगा वो आपका डिजाइन पर आता है 23 है। सब लग रहे हैं जैसे इसके आंसर होंगे लेकिन ब्लैक पॉइंट जो है ऑपरेशंस के सही सवाल से आपका आंसर कितना निकलता है 23 तो आप इसको ही बबल को फिर भी कर सकते हैं या आप टिक लगा के सर्कल कर लें कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं अब यहीं पर चेंजिंग कर देता हूँ। फॉर्मूला
4 प्लस यहां पर रहेगा, आप इसको 8 साथ चेंज या 3 साथ 8, आपका आंसर हो गया 34। अब जानते हैं स्टूडेंट्स ये हो गया ऑप्शन। अब देखिए आपका बचा है एडिशन और सबट्रैक्शन बचा है, तो पहले आप एडिशन जो है फर्स्ट सॉल्व कर लें, कितने आप सबट्रैक्शन सॉल्व कर लें, एंड 4 प्लस 24 आपका आंसर आएगा 28 माइनस 20, ये सबको पता है आंसर आपको दिखा है 8। तो हमें यहां पर 8 को फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन है, सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। आप जो है इसको आप बगल को फिल भी कर सकते हैं या इसे ऐसे ब्रैकेट कर दें, सर्कल भी आप इसको कर सकते हैं, सो दिस वन इज राइट ऑप्शन। तो बेटा सिंपल रूल है, आपने डीमैट्स का फॉर्मूला ट्राई किया है और आपने जो है सिंपल सिंपल ऑपरेशन सॉल्व किए हैं, आपको लेकिन इससे पहले मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन और डिवीजन का आपको पूरा बताना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, आप इसको होमवर्क के तौर पर कंप्लीट करें, इसको सॉल्व करें बाद।